मैं तेरे तोतले अखर किताब तक देखा। जे सीखना होवे ता उमर आ जड़ी वह महज अंकड़ों का हिसाब होंदी है। जिसने एक अजिही किताब लिखी है जिसनों लिखन तो बाद उसका नाम इंडिया के बुक रिकॉर्ड के विच दर्ज हो गया। प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है, मैं हाँ सरवीर कौर। तू मैनू मिट्टी बनाया ताए असीस भी दे, मैं उगदे बीज नू खिड़दे गुलाब तक देखा, मैं तेरे तोतले अखर किताब तक देखा। कहिंदे ने कि जे कोई नवा रिकॉर्ड कायम करना होवे, जे सीखना होवे ता उमर आ जड़ी वह महज अंकड़ों का हिसाब हुंदी है। उमर मायने नहीं रखती, चंगा ते उसारू माहौल मिले तो छोटी उम्र च भी वड्डियां प्राप्तियां हासिल कीतियां जा सकदियां ने। ते अजिहा ही कर दिखाया जिला श्री मुक्तसर साहिब के हल्का लंबी च पैंदे एक पिंड दे एक 16 साल के नौजवान ने, जिसने एक अजिही किताब लिखी है जिसनू लिखन तो बाद उसका नाम इंडिया के बुक रिकॉर्ड के विच दर्ज हो गया। जे कुछ करन दा जज्बा होवे तो उस विच उमर आ जड़ी वह कोई मायने नहीं रखती, निक्की उम्र विच भी वड्डियां प्राप्तियां हासिल कीतियां जा सकदियां ने। हल्का लंबी दे पिंड तरमाला दा 16 साल दा 11वीं विच पढ़दा मनसीरत सिंह गिल, जिसनूं बचपन दे विच चंगियां किताबां पढ़न दी ते चंगा लिखन दी रुचि सी, ते उसदी इसे ही रुचि ने उस कोलों एक सोहणी जिही किताब लिखाई जिसका नाम है द ब्लू प्रिंट ऑफ माई माइंड। द ब्लू प्रिंट ऑफ माई माइंड मनसीरत सिंह गिल दी महज 16 साल का वह नौजवान है जिसने एक किताब लिखी है जो मैंटल हैल्थ से संबंधी है। तो उस दियां अंग्रेजी दे विच छपिया हुई कवितावां ने जिहड़ियां जिन्हां दे कारण उसका नाम इंडिया के बुक रिकॉर्ड के दर्ज होया। इस संबंधी की कहना मनसीरत सिंह का आओ तुहानूं सुणाउंदे हां। किताबा पढ़निया शुरू कीतियां तो उतों मैं थोड़ा राइटिंग दा होया शुरुआत। तो निक्के होंदे तो मैं कहानियां लिखदा सीगा, तो फिर मेरा कवितावां लिखण च इंट्रस्ट होया। तो फिर इस साल मैं आ कवितावां लिखियां तो मैं अपने दोस्तों नाल शेयर कीतियां, तो उन्हां दा भी यही कहना सीगा मैनूं पब्लिश करनियां चाहीदियां तो होरां नाल शेयर करनियां चाहीदियां। तो फिर मैं पब्लिश कीतियां। मैं किताब दा नाम है द ब्लू प्रिंट ऑफ माई माइंड। तो ये किताब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दे विच सम्मानित की गई है। बुक दे विच विशा मेंटल हेल्थ ते है, जिवें अजकल दे टीनेजर्स ते यूथ दे विच बहुत डिप्रेशन ते एनजाइटी आ सारियां चीज़ां हुंदियां ने, ते मेरा भी इन्हां विच एक्सपीरियंस रहा है। ते उस ते मैं अपने एक्सपीरियंस तो लिखियां, ते फिर जदों मैं लिखियां मैं अपने वास्ते लिखियां सी कवितावां, ते फिर मैं अपने दोस्तों नूं दिखाईयां तो उन्हां ओह भी उन्हां नाल रिलेट कर पा रहे सी। उन्हां दा भी यही कहना सीगा कि असीं भी इस चीज़ नूं समझदे हां, एंड फिर इस करके ये उस चीज़ ते लिखी गई है तो होर लोग जिहड़े है यूथ भी ते ईवन वड्डे लोग भी इहदे नाल रिलेट कर लैंदे। मेरे मम्मा पापा दा जरूर ऐं सीगा कि पढ़ाई करनी ही करनी है, पर मेरा इस विच भी मन सी। तो फिर मैं उन्होंने समझाया कि मैं पढ़ाई भी कराँगा एंड मैं आ भी करना चाहना, तो फिर उन्होंने मैनू फुल सपोर्ट दी। तो उन्होंने मेरी कवितावां कहानियां पढ़नियां, तो उन्होंने दसना कि मैं मैनू अगे करना चाहिए। तो फिर एक बार मैं उन्होंने जिवें दसिया कि मैं करना चाहना तो मेरा इंट्रस्ट है, तो फिर उन्होंने मैं जिवें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। सो जे परिवार है जिहड़ा, जे माँ बाप ने जिहड़े चंगा सपोर्ट करते हैं बच्चे दियां रुचियां नूं समझते हुए एक उसारू माहौल देंदे ने, तो निश्चय ही बच्चे ने जिहड़े कुछ चंगा करते हैं कुछ वधिया करते हैं, तो अजिहा करते हैं जिस दे नाल उन्हां दा नाम रोशन हुंदा है ते मापियां दा भी सिर उच्चा हुंदा है। मनसीरत दे पेरेंट्स दा की कहना उसकी माँ दा सुनाउंदे हां तुहानूं। बच्चा शुरू तो ही उहदी रुचि सी जिहड़ी पढ़न ते लिखण विच ज़्यादा सी, आम बच्चों तरह इन्हें घूमना फिरना वो हैबिट नहीं सी इहदे विच। और शुरू तो इहदा इहनूं इह दस्सी कि बुक दा शौक सी, मैनूं बुक लै दो न्यू बुक लै दो, और छोटियां जिवें पंजाबी दे विच छोटियां छोटियां पोइमां बणाउंदा रहिंदा सी। तो उन्होंने थोड़ा अगे जिमें जिमें अगे अप होंगी कि डेट बच्चे का बर उम्र के अकॉर्डिंग जिमें उन्होंने एक्सपीरियंस ज़्यादा होंगे गया रीडिंग नाल, तो फिर उसने ये रुचि होर पर सानू ऐसे भी पढ़ाई में वीक ना हो जाए बच्चा। फिर असं एक दो बार इन्हें कहा भी बेटा ये ना हो स्टडी में आप पिछे रह जाइए, पर उन्हें सानू विश्वास दवाया कहिंदा नहीं मम्मा मैं स्टडी भी बराबर ही कराँगा और मेरा ये शौक है। फिर सानू लग्या भी नहीं नंबर अच्छे मार्क्स लैके पास होंदा रहा। तो ये फिर राइटिंग दे विच भी पहला स्टोरियां लिखदा सी, उस तो बाद जिवें हुण पोइमां वाल जिस तरह नाल लिखनियां शुरू कर दित्तियां। उसदे मापियां दा कहना है कि छोटे हुंदिया तो ही इसनूं पढ़न लिखन दा शौक सी, जो आम बच्चों दे शौक हुंदे ने खेडना कूदना घर तो ज़्यादा समा गैर हाजिर रहना घरों भज जाना इस तरह दे सुभाअ दा मालक नहीं है मनसीरत सिंह। तो शायद यही कारण आ उहदे पढ़न लिखन दी जिहड़ी रुचि है उसे ने ही उह तों कवितावां लिखाईयां ने। तो मनसीरत नूं लगदा है कि वह जिन्नियां भी कवितावां लिखियां जो कुछ उहने 16 साल दी उम्र दे विच जा के महसूस कीता उसदे संबंधी लिखियां
उसने अपने तजर्बे लिखे, जदों अपने दोस्तां दे नाल सांझे कीते तां उन्हां नूं वी लग्गिया कि हाँ ये चीज़ां जो इसने लिखिया ने वो असीं वी महसूस करते हैं। तो इस तों बाद इसनूं इक किताब दा रूप दित्ता गया, पर मनसीरत ने कदे सोचिया नहीं होएगा कि ये जिहड़ी उहदी किताब है ब्लू प्रिंट ऑफ माई माइंड, ये इस किताब के कारण उसका नाम भारत के बुक रिकॉर्ड के दर्ज हो जाएगा। फिलहाल मनसीरत की इस प्राप्ति से जिथे माँ बाप जड़े खुश ने उत्थे ही पूरे इलाके दे विच खुशी की लहर है। लोग अपने आप को उच्चा उठा हुआ महसूस करते हैं, तो उन्होंने लगता है कि मनसीरत के कारण उन्होंने पिंड का नाम तरमाला पिंड का नाम है जोड़ा वो पूरे इंडिया के अगे गया है। होर जानकारी देखते रहो प्रो पंजाब टीवी।